खुशवंत कदराना नामक व्यक्ति ने आज सिरसा के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि SHO बड़ागुड़ा व DSP आर्यन चौधरी ने मुझसे नाइंसाफी की है और मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया है। दरअसल यह पारिवारिक जमीनी विवाद है जो कि उनका उनके मामा के परिवार के साथ चल रहा है। जब इस बारे में SHO बड़ागुड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सारा मामला झूठा है और वह व्यक्ति मुझसे मामला दर्ज होने के बाद अभी तक मिला ही नहीं है। परंतु खुशवंत की भी सुनिए कि उसने क्या क्या आरोप लगाए हैं। मेरे मामा से हाकम सिंह से मेरी माता के नाम 18/5/2009 को 10 एकड़ ज़मीन हाकम सिंह से खरीदी थी और उसके बाद उनके लड़का इंद्रजीत सिंह और उन हाकम सिंह की पत्नी मनजीत कौर ने मेरे पे माननीय अदालत में केस दायर कर दिया था और उस केस का ट्रायल चला था 2013 में। उस माननीय अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया था। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की, जिसका फैसला 2017 में मेरे हक में आया। उसके बाद अब कुछ दिन पहले उन्होंने स्टे के लिए माननीय अदालत में एक एप्लीकेशन दायर की कि ज़मीन पे हमारा कब्जा है, हमें स्टे दिया जाए। माननीय अदालत के समक्ष हमने सभी प्रूफ रखने के बाद माननीय अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। मैंने एक एप्लीकेशन 25/8/19 को थाना बड़ागुड़ा रोजनामचा नंबर 111 SC दर्ज है, उसमें मैंने कहा था कि मेरे को इंद्रजीत सिंह और उसकी माता मनजीत कौर से जान का खतरा है, वो मेरे को बार बार जान से मारने की, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद 18/9/2019 को मैंने एक एप्लीकेशन दोबारा दी कि मेरे खेत में एक कमरा बना हुआ था, मकान बना हुआ है, उसको इंद्रजीत सिंह और उसके 4-5 साथियों ने कमरे को गिरा दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं मौके पे जाके वहाँ पे कमरा देखा है, कमरा गिरा हुआ है और उसके नीचे टीन है और इसमें शामिल तफ्तीश करके इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पर SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आईजी साहब के पास एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद आईजी साहब ने वो एप्लीकेशन DSP आर.एन. चौधरी हेडक्वार्टर सिरसा उनको उस जांच के लिए बिठाया और जांच के लिए जब मेरे को शामिल तफ्तीश करने के लिए DSP साहब ने बुलाया, मैं हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद जब दूसरे पक्ष का उन्होंने पक्ष सुना, उसके बाद सुनने के बाद जब मैंने कहा कि जनाब आप मेरा पक्ष सुनो, तो DSP आर.एन. चौधरी की भाषा थी कि आप बंदवाश आदमी हो, मैं आपकी कोई पक्ष नहीं सुनना चाहता, ना मेरे पे पर्चा दर्ज हुआ है, 7-51 का पर्चा दर्ज नहीं है, ना मेरे पिता पे है, ना मेरे दादाजी पे है, तो मैं बंदवाश कैसे हो गया। राजू सिंह स्नौफ कालिया नहर कॉलोनी नागो की उसके नंबर पे अननोन नंबर से फ़ोन करके जो मेरी ज़मीन बोता है 5वें पे गुलजार सिंह, उसको धमकी दी कि आप खुशवंत सिंह की ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जब मैंने SHO साहब से टेलीफोन लगा के पूछा, उसकी बाय रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि SHO साहब हमारे आदमी को धमकी दी गई है ज़मीन छोड़ने के लिए, तो SHO साहब ने खुद कहा कि वो टेलीफोन मैंने किया था। जब मेरे पे पर्चा दर्ज हुआ तो मैं उनसे पूछने गया कि आपने मेरे पे नाजायज पर्चा दर्ज कर दिया है। इसका आधार था नाजायज पर्चा का कि दोनों बार मैंने कोर्ट से केस जीत चुका था। केस जीतने के बाद एक पुलिस प्रशासन मेरे पे 420 फ्रॉड का पर्चा दर्ज करता है, इससे कोई गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती। उन्होंने मेरे पे 420 का पर्चा दर्ज किया, उन्होंने माननीय कोर्ट का अवहेलना की है DSP साहब ने, और SHO राजकुमार बड़ागुड़ा ने उन्होंने माननीय अदालत की अवहेलना की है और इससे मेरे जो सामाजिक मान सम्मान है उसको ठेस पहुंची है। इंद्रजीत सिंह और उसकी माता मनजीत कौर निवासी नागो की, वो एक मेरे को और धमकी देते हैं कि हम आत्महत्या करने के बाद एक सुसाइड नोट आपके नाम का लिख के छोड़ के जाएंगे ताकि आपको पता चले कि लोगों को पता चले कि आपने हमारी हत्या की है। मेरे को SHO ने सीधा कहा कि आप 5 लाख रुपया दो, SHO राजकुमार बड़ागुड़ा ने,
आप 5 लाख रुपया दो, मैं इस FIR को कैंसिल करवा दूंगा। तो मैंने कहा आप क्यों मांग रहे हो? वो बोले भी DSP साहब के नाम पे मांग रहा है। SHO ने मेरे को कहा कि RN चौधरी को देने हैं, और मैंने कहा कि नहीं SHO साहब, मेरे पे झूठा पर्चा दर्ज हुआ है, ना मैं रिश्वत देता हूँ, ना मैं इस काम में हूँ, मैं रिश्वत ना आज दूँ ना कल दूँ। और उसके बाद मेरे को SHO ने एक और धमकी दी, बोला जे ज़मीन इंद्रजीत सिंह और उसकी माता मनजीत कौर के नाम करवा दे, नहीं तो तू इस वर्दी की ताकत नहीं जानता। हाँ, SP साहब से मैंने एप्लीकेशन दी थी कि RN चौधरी साहब ने मेरे पे मेरी जो ना हक पक्ष ना सुनने के कारण मेरे पे झूठा पर्चा दर्ज कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक मैं एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को DSP माननीय कालां वाली नरसिंह जी के पास भेज दिया था जांच के लिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। मैं दो बार गया भी था, कल भी गया था, कल माननीय DSP साहब नहीं थे, तो मैंने उनके रीडर से बात की तो बोले कि 2 तारीख तक DSP साहब छुट्टी पे हैं। जो भी मेरे पे पुलिस अब की बार जो पर्चा गलत दर्ज किया है इसको दबाने के लिए या मेरे को दबाने के लिए मेरे पे और भी पर्चे दर्ज कर सकती है। और जो भी मैंने आपके माध्यम से जो बात कही है उसका मैं सभी प्रूफ आपके साथियों को दूंगा, ये जो सब फोटोकॉपी है, जो रजिस्ट्री वगैरह की जो माननीय कोर्ट के अदालत की है। भाई फेस मांगे हैं मेरे से, और 2 अगवा हैं उसके मेरे साथ थे साथी, जो 3 आदमी थे, हमसे 3 आदमियों से पैसे मांगे हैं मेरे से, उनके सामने मांगे हैं मेरे से, उनके सामने मेरे से 5 लाख रुपया मांगा है, और जो सभी डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है उस ज़मीन के, और 2009 से लेके कब्जा आज भी मेरे पास है उस ज़मीन का।